नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रहस्यमय इंडिया में। हम आज आपके लिए लाए हैं एक प्राचीन मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से मशहूर शहर राजस्थान का उदयपुर में। राजस्थान में उदयपुर न ही सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थलों की वजह से जाना जाता है, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इस झीलों की नगरी में एक मंदिर है जो वास्तुकला के बेजोड़ नमूने को पेश करती है। इस मंदिर का नाम है सास बहू का मंदिर। इन मंदिर के आसपास मेवाड़ राज्य की स्थापना हुई थी। इनकी पहली राजधानी नगदा थी। नगदा के वैभव को याद दिलाने के लिए सास बहू के मंदिर आज भी सक्षम है। सास बहू के मंदिर के पीछे की कहानी बेहद रोचक है, तो आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। 10वीं सदी में निर्मित सास बहू के मंदिर अष्टकोणीय 8 नक्काशीदार महिलाओं से सजाई गई छत है। बहू का मंदिर सास के मंदिर से थोड़ा छोटा है। इस मंदिर की दीवारों को रामायण की विभिन्न घटनाओं के साथ सजाया गया है। इस मंदिर में स्थित मूर्तियां 2 चरणों में व्यवस्थित की गई है, जो कि एक दूसरे को घेरे रहती हैं। सास बहू के मंदिर में त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की छवियां एक मंच पर खुदी हुई है। साथ ही दूसरे मंच पर राम, बलराम और परशुराम के चित्र लगे हुए हैं। मेवाड़ राजघराने की राजमाता ने मंदिर भगवान विष्णु को और बहू ने शेषनाग को समर्पित कराया था। यह मंदिर 1100 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण राजा महीपाल और रत्नपाल ने बनवाया और उन्होंने बड़ा मंदिर रानी माँ के लिए और छोटा मंदिर रानी के लिए बनवाया था। सास बहू के लिए निर्माण कराए जाने वाले ये मंदिर सास बहू के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी गर्भगृहों के आराध्य देवों की मूर्तियां गायब है। मंदिर में भगवान विष्णु की 32 मीटर ऊंची और 22 मीटर चौड़ी प्रतिमा है। यह प्रतिमा 100 भुजाओं से युक्त है, इस वजह से यह मंदिर सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की छत बहुत बड़ी कलात्मक है। मंदिर के सामने एक भारी पत्थर से बना तोरण है, जिसमें 3 दीवार हैं। सास बहू के दोनों मंदिरों के बीच में ब्रह्मा जी का एक छोटा मंदिर भी है। बहू के मंदिर का सभा मंडल अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन करता है। प्रत्येक स्तंभ पर एक पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। मंदिर में लगी नारी प्रतिमाएं नारी सौंदर्य को दर्शाने के लिए उल्लेखनीय है। मंदिर के सामने भारी पत्थर से बना तोरण है, जिसमें 3 दीवार है। सास बहू के मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में काफी अच्छी दशा में। इतिहास में एक ऐसा दौर आया था कि सास बहू के मंदिर को बंद करवा दिया गया था। बताया जाता है कि दुर्ग पर मुगलों ने जब कब्जा किया था, तो सास बहू के मंदिर को चूने और रेत से भरवा कर बंद करवा दिया गया था। कुछ समय बाद मंदिर एक रेत का टापू बनने जैसे लगा। जब अंग्रेजों ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, तब मंदिर को दोबारा खुलवाया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।